अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो उसकी तैयारी हमको पहले करना है, जो भी है, किसी को फ्राई करना है, किसी को फिर फ्राई करके मैरिनेट करना है, जैसे प्याज वगैरह को। तो हम आलू को फ्राई करने से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये चार आलूओं को मैंने बीच से हाफ कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको तेल में हल्का सा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने पहले गरम कर लिया था अच्छी तरह, और फिर उसके बाद फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है ताकि आलू की जो ऊपर की लेयर है वो जलने ना पाए और आलू अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। हल्का हल्का हमको गोल्डन सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आलू हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे हैं, तो अब हम लोग इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। और ये चार मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया था, इसको स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे, पूरा रेड नहीं करना है, नहीं तो मसाला हमारा रेड हो जाएगा। क्योंकि हम वाइट चिकन बिरयानी बना रहे हैं इसलिए इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए प्याज जो है हमारी ट्रांसपेरेंट होने लगी है, और इसको लगभग मुझे 15 मिनट लगा है, और इसको मैंने चलाते ही रही हूँ इस दौरान कि बिल्कुल वो एक साइड में या साइड में रेड ना होने पाए। तो ये माशाल्लाह हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेना है। एक प्लेट में इसको इस तरह से तेल को निथार कर निकाल लेना है। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट इस तरह से हो चुकी है, और अब मैं इसमें ये चार हरी मिर्च रखूँगी साथ में, और साथ ही जाएगी 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। भर भर कर 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिया, और हम लोग इसको अच्छी तरह से बारीक सा एक पेस्ट बना लेंगे। आधा किलो चिकन ले लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और ये जो हमारी प्याज सफ़ेद तिल और हरी मिर्च का मिक्सचर है इसको हम लोग इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 TSP या अपने जायके के मुताबिक आप नमक ले लें। 200 ग्राम में दही ले रही हूँ, दही डल गया। 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 कप दूध, इन सारी चीज़ों को डालकर हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें लग जाएं। फिर हम लोग इसको मैरिनेट करने रखेंगे, पर उससे पहले हम लोग कोयले का धुआं भी इसको देंगे। और अब हम लोग कोयले का धुआं देंगे, तो ये इस तरह से करना है कि एक फॉइल पेपर का टुकड़ा लिया और इसको इसके ऊपर रख दिया। देखिए एक कोयले को मैंने इस तरह से दहका लिया है, उसके ऊपर हम लोग संभाल के रखेंगे। और फौरन से 2-3 ड्रॉप्स तेल के डालेंगे ताकि धुआं उठने लगे, और एक ढक्कन से इसको इस तरह से बंद कर देंगे ताकि धुआं अंदर ही कैद हो जाए, इसकी धुएं की खुशबू हमारे चिकन के मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से बस जाए। तो अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए साइड में रख देंगे। इस दौरान हम लोग चावल को बॉईल कर लेते हैं और उसका काम देख लेते हैं। ये 1/2 किलो बासमती राइस लिया था मैंने, और इसको बॉईल कर लिया, नमक डाला इसमें, और ये इस तरह से थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले डाले, और हरी मिर्च वगैरह डालकर 1 कनी इसको बॉईल कर लिया और पानी निथार के रख लिया है। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं हमने चिकन को जो मैरिनेट करने रखा था, तो वो हो गया होगा। और मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, ये वही तेल है जिसमें हमने आलू और प्याज को फ्राई किया था, तो इसमें तेल उस वक्त ज़्यादा था, तो अब मैंने इसको कम कर लिया है, तो अब ये बच के लगभग 1/2 कप बचा है। तो इसको मैंने गरम कर लिया, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये खड़े गरम मसाले। तो इसमें लिया है 2 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची है, लौंग है तकरीबन 5-6, और 1 बादियान फूल लिया है, और ये 2 स्टिक दालचीनी की है, और तकरीबन 4 या 5 तेज़ पत्ते हैं। तो इसको हम लोग गर्म तेल में डाल के भून लेंगे 2 मिनट के लिए। खड़े गरम मसाले को हम लोग तेल में भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए, और फिर ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसमें से ये जो हमने कोयला रखा था इसको निकाल लेंगे संभाल के इस तरह से, और फिर इसमें ये चला जाएगा। आँच को मैंने तेज़ ही रखा है,
इसको स्लो नहीं करना है इस स्टेज पे। तो अब ये गया, माशाल्लाह इसकी खुशबू आने लगी है इलायची वगैरह की। तो अब मैं इसमें ये मैरिनेट किया हुआ मिक्सचर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, चिकन के मिक्सचर को हम लोग तेज़ आंच पर भुनेंगे जब तक कि अच्छी तरह से भुन ना जाए और मसाला जो है वो पक ना जाए, कच्चापन उसका दूर ना हो जाए। लेकिन इस दौरान इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये बर्तन में चिपकने ना पाए। तो इसको स्लो और फास्ट करते हुए भुनना है, कंटिन्यू स्लो या कंटिन्यू फास्ट नहीं रख सकते। जिस तरह से कंडीशन होगी मसाले की आपको उस तरह से आँच को कर लेना है। अगर लगने लगा है या गाढ़ापन लग रहा है तो आप उसको फ़ौरन फ्लेम को मतलब स्लो कर लीजिए। चिकन के मिक्सचर को भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको हाई फ्लेम पर ही भून रही हूँ इस तरह से। तो देखिए ये मैंने इसको लगने नहीं दिया है और ना इसमें पानी डाला जाएगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसीलिए इसमें दूध और दही वगैरह जो गया है तो वो पानी की जो ज़रूरत होती है हमको चिकन को या मसाले को ग्रेवी को भूनने के लिए वो उसकी कमी पूरी कर देता है। तो पानी हमको बिल्कुल नहीं डालना है, ये ख्याल रखिए। हत्ता कि वो जो प्याज हमने जो पीसी थी उसमें भी पानी नहीं जाएगा। अब इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी लिया था और तकरीबन 5 हरी मिर्च, इसको इस तरह से चीरा लगा लिया है, लग जाएगा। 2 टेबल स्पून काजू डाल रही हूँ, काजू का पेस्ट, और डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके बाद इसमें 1 TSP जीरा पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप चाहें कि हरी मिर्च और हो, अगर आपको और तीखा खाना पसंद हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है और सूख जाए, मसाला भून जाए और तेल अलहदा हो जाए। चिकन का मसाला भून गया है और इसको मैंने मीडियम हाई पर भुना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया है ताकि मसाला नीचे लगने ना पाए, क्योंकि काजू वगैरह भी है तो काजू क्या करता है जाके तले में चिपक जाता है। तो उससे बचाने के लिए मीडियम हाई पर ही हमको भुनना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है और बहुत ख्याल रखना है कि ये लगे ना। तो ये देखिए तेल छूट गया है, इससे पता चल रहा है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तकरीबन 15 मिनट में ये भुन गया है। तो अब इसको ये करना है कि जो चिकन में थोड़ी सी कसर रह गई है वो चिकन अच्छे से गल जाए, फिर इसके बाद हम लोग इसमें आलू मिक्स करेंगे। तो इसको ढाँक कर तकरीबन 10 मिनट हम लोग गला लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमको चिकन को ढाँक के पकाते हुए और चिकन भी गल गया है। ये देखिए चेक कर लेते हैं कि चिकन गला है या नहीं। वैसे 10 मिनट में तो ढाँक के पकने में चिकन गल ही जाता है ऑलमोस्ट। तो ये देखिए चिकन गल चुका है माशाल्लाह। ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे साइड में, इसमें ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को बहुत पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फ्राई किया हुआ है तो ऑलरेडी ये गल चुका है लगभग। तो अब हल्की सी आँच में इंशाल्लाह ये पूरी तरह से गल जाएगा, नहीं तो अगर बहुत पहले डाल दिया जाए तो ये गल के टूट जाएगा क्योंकि इसको हमने फ्राई किया था। इसके बाद इसमें पुदीना और हरी धनिया डाल देंगे। ये तकरीबन 1/2 कप पुदीना डाला मैंने और 1/2 कप हरी धनिया चॉप की हुई। इसके बाद ये जो बॉइल्ड राइस रखा था, ये मतलब बिरयानी का चावल जो हमने उबाल के रखा था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, और इसको दम पे रख देंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में दम पे आ जाएगा और भाप भर जाएगी और फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। दम पे रखने के 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा के देख लिया और माशाल्लाह चावल में जो कसर थी वो भी हो गई है पूरी और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है और अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। बिरयानी के लिए कभी भी मैं हमेशा एक छोटी सी तश्तरी का यूज़ करती हूँ ताकि चावल वगैरह जो हैं चम्मच की वजह से टूटे ना। बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह ये बहुत खुशबूदार और बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए।